किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। उन्हीं 100 दिनों की के कार्य और उपलब्धियों की बात करने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उनमें कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सभी विभागों को प्रेजेंटेशन करा करके उनके 100 दिन 6 महीने 2 साल और 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से 100 दिनों का जो लक्ष्य था उनमें हम कहाँ पहुंचे हैं उसकी आज विशेष रूप से हम बात करेंगे। पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करने जा रहा हूँ। ऊर्जा विभाग की जहाँ तक बात है तो 100 दिन के जो लक्ष्य थे उनमें 100% हमने सिद्धि हासिल की है। आपके हाथ में अभी मटेरियल पहुंच रहा है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन इन्हीं 100, मैं उनकी बात और डिटेल में भी करूंगा, लेकिन इन्हीं 100 दिनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो उस समय एजेंडा में थे या नहीं थे अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है मित्रों कि जैसे ही इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया वो उन्हीं दिनों से आपको मालूम है कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हुई और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड हमारे राज्य में उपस्थित हुई और उसे पूरा करने के लिए हमारा पूरा बिजली विभाग का जो तंत्र था वो हमारे सारी पूरी टीम हमारे राज्य मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइन हमारे मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइनमैन तक की जो हमारी टीम होती है हम सब लग गए। आपको कुछ मैं फिगर देना चाहूंगा कि हमारी जो अभी 11 जुलाई को जो हमारी पीक डिमांड थी 26,504 मेगावाट की वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में बल्कि हमारे ही पीक को जो इतिहास था जून का और मई का उसे भी तोड़ते हुए 26,504 मेगावाट की हमने पीक डिमांड सेटिस्फाई किया है। तो इसके चलते डिमांड उसी मई में जून में हर महीने एक नया पीक हमारा बनता गया जो पहले कभी नहीं इतनी बिजली की डिमांड हमारे राज्य में कभी नहीं उपस्थित हुई थी। उसे पूरा करना स्वाभाविक रूप से एक चुनौती भरा काम था। गत वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो अप्रैल मई जून के महीने में जितनी बिजली की खपत हुई थी उससे 27% ज्यादा खपत जो है वो इस साल के 3 महीने में हुई है। तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ने के चलते हमारे समक्ष चुनौतियां रही हैं, आप सब उससे वाकिफ भी हो और उन चुनौतियों को हम पूरा करने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है। आपको एक और मैं फिगर बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि 26,504 मेगावाट की जो पीक डिमांड थी वो तो हाईएस्ट है ही है, लेकिन जो उस समय जो हमारी मिनिमम डिमांड होती है वो भी पिछले साल की मिनिमम डिमांड की 3 गुना थी। 5,600-800 मेगावाट हमारी मिनिमम यूं होता है कि शाम को जैसे ज्यादा डिमांड होती है सुबह जाकर के वो डिमांड कम हो जाती है, जो मिनिमम लोड होता है वो मिनिमम लोड भी पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल 5,662 मेगावाट था 20 मई को, वो इस साल जो है 17,669 मेगावाट जून में तो और भी 19,624। तो मतलब इवन मिनिमम जो है हमारा वो पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गया है। इतनी ज्यादा बिजली की डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करना एक ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं कि अगर किसी रोड पे अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से कंजेशन होता है, गाड़ियां आपस में लड़ती हैं। वही हाल बिजली की सप्लाई और ट्रांसमिशन लाइनों का भी है, लेकिन हमारे अच्छे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चलते मेंटेनेंस की हमारी जो अलर्टनेस थी उसके चलते इस साल हमारा जो ट्रांसफार्मर खराब होने का, आपको ऐसे सामान्य रूप से कई बार मिलती है खबरें कि यहाँ जल गया वहां जल गया, लेकिन कुल मिलाकर के पिछले साल ट्रांसफार्मर बिगड़ने की खराब होने की जलने की जो गति थी उसके सापेक्ष पिछले साल 2.80% थी, इस साल 2.77%। लाखों ट्रांसफार्मरों में 0.3 की कमी भी हजारों की कमी हो जाती है। तो इस तरह हमने मेंटेनेंस को अच्छे से करते हुए लाइनों को
मेंटेन करते हुए ट्रांसफार्मरों का ध्यान रखते हुए हमने इस चुनौतीपूर्ण कार्य काल में भी बिजली की आपूर्ति चालू रखने की कोशिश की है। साथ ही हमने नगर विकास ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे। बढ़ते हैं एटा की तरफ। एआरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों पर छापेमारी हुई है। पुलिस छापे के बाद दलाल दुकान बंद करके फरार।